क्या होता है योगा? माइंड एंड बॉडी। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, माइंड बॉडी। हाँ, इट इज फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीन्स यूज, ठीक है, मीन्स की यूनिफिकेशन आत्मा विद परमात्मा, ठीक है, यूनाइट करना। और योगा ये आज से नहीं है, इससे ओल्डेस्ट इंडिया में, वर्ल्ड में आप देखो जितनी भी आपके ये साइंस से रिलेटेड है सारा काम है, जितने हमारे वेदाज हैं, ऋग्वेद है, आयुर्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये सबसे ओल्डेस्ट आपके एक वो है रिटर्न में, जो जिसको हम बोलते हैं प्रूफ। और जो जो उसमें चीजें लिखी है उसको देख देख के, सुन सुन के, जितने आपके आप कह लो अब्रॉड से जो यहाँ पे जिसने रूल किया इंडिया में, वो सारी चीजें उन्होंने पढ़ी कि यहाँ पे ये, यहाँ का ये कल्चर था, ये चीजें बनती थी। आपने रामायण देखा कितनी फेमस थी, आपने जितने भी वहां पे देखा वो अपने ये अग्निबाण है, ये वो है, वो सारी आपकी मिजाइज बन गई है। एक साइंटिस्ट को, एक आदमी को एक आइडिया चाहिए होता है ना कोई चीज बनाने के लिए, उन्होंने स्टडी किया भी इतना कुछ इंडिया के कल्चर में है, वही चीजें उन्होंने देखो डेवलप कर दी। कोई सोच सकता था कि यहाँ बैठ के आपने बटन को दबाना है तो आपकी मिसाइल 5000 किलोमीटर पे जाके और टारगेट पे जाके गिर रही, यानी मतलब ये सोच सकते हो आप स्पेस से कहाँ पहुंचे, स्पेस से आप हर जितनी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो तो ग्राउंड के कितने नीचे लेवल तक हर चीज देख लेते हैं। चाइना वालों ने बेसमेंट सारी अपनी बना दी है। आज की डेट में सबसे मेन क्या है, न्यूक्लियर वॉर, अगर नेक्स्ट आपकी वॉर होती है उसके लिए उन्होंने अपने अंडरग्राउंड बेसमेंट शुरू कर दिए बनानी, जो उनके कह लो कि जो प्रोमिनेंट आपके लीडर्स हैं या जो जो लोग हैं जिनको वो सेव करना चाहते हैं, वो उन्होंने अंडरग्राउंड सारा सिस्टम बना दिया, वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उसका। ये चीजें योगा एक ऐसा आपका स्टार्टिंग से, इट इज ओल्डेस्ट एक थ्योरी आपका फिजिकली और मेंटली आपके क्योर करना, ठीक है, आपको इम्प्रूव करना। आपने सुना होगा कि अब हम ये तो नहीं बोल सकते हैं आजकल हर चीज साइंस वाले तो साइंस से रिलेटेड मानते हैं ना, अभी आपने कॉन्ट्राडिक्शन बहुत बड़ी आई थी इंडिया में बिटवीन डॉक्टर्स एंड रामदेव की स्टेटमेंट से, सुना था आपने? नहीं देखा, सुना बेटा उस कितना बड़ा उन्होंने कहा, कहते जितना भी कोरोना वायरस है ये डॉक्टर्स के पास जो लोग जा रहे हैं, कहते वो सारे वापिस कम हो रहे हैं वापसी। वो कहते मेरे सेंटर पे आओ, मैं योग के थ्रू अपनी जड़ी बूटियां जो भी है उसके थ्रू 100% क्योर। तो उनमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था कि एक मेडिकल और साइंस, साइंस क्या है वो प्रूफ मांगती, ठीक है, उन्होंने लॉजिकली उसको प्रूफ करना है साइंसिफिकली। ये इन्होंने फिर क्वेश्चन रखे उनके पास, ये बहुत बड़ा इशू हो गया था डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा। इवन उन्होंने बोल दिया था कि अगर ये ऐसी हमको बोलते हैं तो बाबा रामदेव जी का एक सिंपल आंसर था, अगर जहां पे सर्जरी की जरूरत है वहां पे आपकी साइंस सो गुड, इमीडिएट अगर आपका कोई ऑर्गेन है या पार्ट है डैमेज हो जाता है तो वहां पे सर्जरी नो डाउट, बट इन द केस ऑफ जैसे आपको स्पॉन्डेलाइटिस है, हाई बीपी है, मतलब उन्होंने अपनी जो छोटी छोटी चीजें बताई हैं, अगर वो किसी को होता अस्थमेटिकली है कोई, ठीक है, उसके लिए बेस्ट है योग, अगर आप डेली करते हो प्योरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। आपने देखा होगा प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम में क्या करते हो अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। आपने देखा है किसी ने कि वो एक बहुत 3-4 मीटर का क्लोथ होता है उसको पूरा अंदर डाल देते हैं स्टमक में, नहीं देखा किसी ने? धोती नौली सुना है नाम, वो नोज से पानी डालते हैं दूसरे से निकालते हैं, ये सारे जल निधि है, ऐसे एक नोज से डालेंगे दूसरे से वो जितना, जैसे जिनके कईयों के यहाँ पे कफ हो गया, ठीक है, ब्रेन में कोई सिंको यहाँ पे होता है ना पेन होती है, वो ऐसे जैसे कोई आपका रनिंग नोज ना हो, कोल्ड हो गया यहाँ जम जाता है उनके, मतलब ये सारी ट्रीटमेंट है। वो जो कपड़े वाला काम है धोती क्रिया, वो सारा आपका अंदर इंटेस्टाइन से लेके स्टमक सारा क्लीन कर देती है, ये बहुत एक्सपर्ट है। फिर आपने देखा होगा वो ऐसे करके करते हैं ना स्टमक को, ऐसे राउंड में घुमाते हैं फिर ऐसे घुमाते हैं, दैट इज
क्लीनिंग ऑफ योर बॉडी पार्ट, तो वो भी एक कह लो, वो कहते हैं कि दिस इज प्रूव बाय रिसर्च, किया हमने डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट जो जिन लोगों को डॉक्टर्स ने कहा आपको ये है डिजीज है आपको ठीक नहीं हो सकती, हमारे वहां से वो भी ठीक हुए, उनके पास भी बहुत डॉक्टर है, दैट इज आयुर्वेदिक से रिलेटेड। और जितनी भी आपने अभी कोरोना टाइम में देखा होगा ना, हल्दी का दूध पियो, काढ़ा पियो, वो वहीं पे आ गई बात, ठीक है। कोई मेडिकल साइंस में क्या था वहां पे जितने भी ये पेशेंट्स है, मेन क्या था, लंग्स पे अटैक होता है, लंग्स डैमेज हो गए तो आदमी की डेथ हो जाती है, सारा काम ही आपका लंग्स है। तो उन्होंने क्या किया, उनको उनके पास कुछ भी नहीं था, आपका टेम्परेचर के लिए मेडिसिन दे देनी है, बाकी कोई नॉर्मल काम है। ये कहते हैं एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो, जितना आप लंग्स की एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, योगा में प्राणायाम, योगा, अच्छा सिंपल योगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड एक्सरसाइज, जो हम वार्मिंग अप एक्सरसाइज करते हैं योगा, वाइल वी ये क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रहे हो, इतनी जोर जोर से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, बंद करो इसको, अभी मैं बोल रहा हूं ना सुन लो। अब सिंपल है, आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, वही एक्सरसाइज योगा में, वही एक्सरसाइज हम अपने करते हैं स्पोर्ट्स में, व्हाट इज द डिफरेंट, उसको हम आसन बोलते हैं, हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, सेम बेटा वही आसन है ना, हम ऐसे स्ट्रेचिंग करके बैठ गए, उन्होंने कहा वज्र आसन हो गया, हम साइडवेज स्ट्रेचिंग करते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, उसमें आ गया त्रिकोण आसन, साइड में आप बना देते हो, ठीक है, पश्चिमोत्तर आसन, जो डिफरेंट आसन है वही एक्सरसाइजेज है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, द मेन डिफरेंस इज व्हाइल वी आर डूइंग योगा वी हैव टू डू एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनहेल एक्सहेल, हमने सांस को लेना ऐसे ऊपर लेके फिर नीचे आना छोड़ना है, विद द हेल्प ऑफ योर रेस्पिरेटरी, इनहेल एक्सहेल करके करते हैं हम, बट नॉट इन अ स्पोर्ट्स, वहां पे आप ऐसे एक्सरसाइज नहीं करते कि सांस लेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे फिर छोड़ेंगे, यू आर डूइंग जस्ट योर स्ट्रेचिंग, बट इसमें सारी जो आपका ब्रीदिंग के साथ होता है, जितने भी आसन आपने करेंगे वो बोलते हैं ना, सांस को लंबा लो, बैंडो, कोई भी आसन हो, फिर रोको फिर छोड़ो, दिस इज द मेन डिफरेंस, ब्रीदिंग के साथ करते हैं योगा की जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है, ठीक है, उसमें सारा कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, बट वाइल यू आर डूइंग सम एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू योर गेम, उसमें कोई हमें ये नहीं बोलते आप सांस लो छोड़ो करो, यू जस्ट डू योर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करोगे आप, वार्म अप एक्सरसाइजेस करोगे, तो दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग, क्या डिफरेंस होता है, ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग वेयर यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ, सिंपल है, एंड ट्रेनिंग मीन्स यू आर डूइंग सम जनरल एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी पार्ट, वो ट्रेनिंग कोई भी कर सकता है, वेट ट्रेनिंग में आपने स्ट्रेंथ शो करनी होती है, पावर लिफ्टिंग वेयर यू हैव टू शो योर पावर, ठीक है, स्ट्रेंथ शो करनी है, तो दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड टू आपका मेंटल और फिजिकल अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, तो इसके कुछ आपके सम ऑफ द इम्पोर्टेंस है, यू राइट डाउन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, यू कैन राइट विद योर, आप अपना आप भी सोच के क्या क्या इससे हो सकता है योगा करने से, ये नहीं कि आपने एज पर द बुक में जो लिखा है वही लिखना है, ठीक है, बट आपको मैं जर्नल कुछ लिखा देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज फ्लेक्सीबिलिटी, रिड्यूस टेंशन,
इम्प्रूव कंसंट्रेशन, इम्प्रूव बॉडी सिस्टम, जितने भी आपके ऑर्गेन्स हैं, स्ट्रेंथनिंग योर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग योर इम्यून सिस्टम, देन इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव हाइजेनिक, हाइजेनिक क्लीन करना अपने बॉडी को, कैसे नीट एंड क्लीन रखना है अपने, देन रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा आपका दूर हो जाता है, अगर दूर क्या होगा नहीं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, देन रिलैक्स द बॉडी, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, कितने पॉइंट्स हो गए, हो गए 8-10 या 10 हो गए, ये दीज आर द मेन, जो आपकी रेगुलर आप योगा करते हो तो आपको कभी भी ये चीजें नहीं होगी, और जो जो इम्प्रूव होगा वो आपके सामने ये सारा कुछ लिखे हैं सम ऑफ द हेडिंग्स, ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो देन आई कैन एक्सप्लेन। नेचुरली आप योगा करेंगे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, बॉडी पार्ट्स आपके प्रॉपर वर्क करेंगे। योगा में कुछ ऐसे डिफिकल्ट आसन्स हैं जो बहुत ही आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट डू, बिकॉज यू हैव टू अपने, अब एक तो वो स्टमक का ही आप देख लो, वो आप कोई आम आदमी नहीं कर सकते हैं। देन हल आसन है, चक्कर आसन है, उसकी बड़ी एडवांस स्टेजेज है, देन प्राणायाम है, उसमें मेडिटेशन है, वो बहुत ज़्यादा इनहेल एक्सहेल हम करते हैं, ठीक है। ये आज से कितनी देर से योगा, जब से रामदेव ने शुरू किया इन्होंने, तो इंडिया में बहुत फॉलोअर्स हैं, और ऐसा नहीं है जो उनके शिवर लगते हैं, बहुत लोगों को इम्प्रूवमेंट हुई है। नेचुरली अगर जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वो योगा के बहाने अपनी कैसेट रखी है, टीवी पे लगा दिया है, ठीक है, सुबह उठ गए अपने बैठ के थोड़ी एक्सरसाइज कर ली योगा की, तो देट विल हेल्प यू। आपने अभी बाहर देखा है, स्कूल के बाहर भी हमारे देखो डेली लेडीज आती है ना, विदाउट एनी, मतलब कोई भी मौसम कैसा हो कुछ हो, वो एक आजकल वैसे मोस्टली हर सिटीज में, हर टाउन में कोई ना कोई सब सेंटर्स बने हैं जहाँ पे पार्कों में सुबह योगा करते रहते हैं। आप आदर्श नगर चल जाओ, हाँ बच्चे भी शुरू हो गए थे, हाँ उधर, मतलब बहुत सी ऐसी जगह है, बहुत से इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपका डिफरेंट है, कोई बाबा रामदेव जी से रिलेटेड है, कोई रविशंकर से रिलेटेड है, डिफरेंट आपके साधु सन्यासी जितने हुए उन्होंने अपने अपने एक तरीका इन्वेंट किए है सारा आपका ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करके आपने। और इससे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेडिटेशन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब आप पद्मासन है, ठीक है, बैठे हो वहाँ पे कंसंट्रेट करो, आपके स्कूल में कितनी बार यहाँ पे आए हैं ना सुबह असेंबली में, देखा होगा आपने, बहुत सी ऐसे संस्था ऑर्गेनाइजेशन है कि जो लगे हैं कि आप फिटनेस, ओम, कोई शांति, कोई मतलब डिफरेंट वेज है, आपने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। आज की डेट में सबसे मेन क्या है, स्ट्रेस। हर आदमी को, चाहे वो जो मर्जी हो, उसके पास जितना पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पर कोई ना कोई दिमाग में चलता रहता है, 10 वाला बोलेगा 20 बना लें, 20 वाला बोलेगा 200 बना लें, ठीक है, शांति किसी को भी नहीं। और आदमी वही आज की डेट में जिसको बोलते हैं ना सुखी रह सकते हैं, जो जिसके पास जो है उसमें खुश रहे, ऐसे से भी इंडिया में बहुत से लोग हैं जो बगैर खाना खाए रात को सोते हैं। आपके यहाँ पे तो ठीक है, आप कभी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल वगैरह में देखो तो वहां पे इतनी वर्स्ट कंडीशन है, आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब रोटी के लिए दे आर फाइटिंग विद द डॉग, बहुत गरीबी है। अब बाप की मनरेगा गवर्नमेंट ने चलाई है तो आधे लोगों को वहाँ काम मिल गया, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ अभी तक लाइट नहीं है, स्टिल बहुत सी बैकवर्ड एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे भी लाइट नहीं है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, और इंडिया की आपको पता ही पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये योगा आपका आज का नहीं, बड़े पुराने साधु संत, कई आपने सुना होगा कि वो इतने इतने साल तपस्या करते रहे जी, कितने साल तक तपस्या की है,
वो मेडिटेशन लास्ट स्टेज, धर्म ध्यान समाधि, ये आपके आगे इसमें एलिमेंट्स आएंगे, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योगा, ठीक है। तो उसमें जो लास्ट स्टेज होती है वो इस वो स्टेज होती है कि जब आदमी सीधा परमात्मा के साथ, उसका कहते हैं ना कि अब कोई उसको मोह माया परिवार, कई आपने साधु देखे होंगे जो सब कुछ छोड़ के अपने बैठे हैं, बड़े बड़े अखाड़े हैं, महर्षि हैं जिन्होंने, और आपको कभी आपने स्टडी करना जितना साइंस से रिलेटेड है, ये टाइम है, ये जो एक एक वो उन्होंने लिखी होती है ना अपने कैलकुलेशन, न्यूमेरोलॉजिकल जो उनका डिपार्टमेंट है, पामिस्ट्री है, वो इतनी एडवांस है कि साइंस वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इतनी कैलकुलेशन ये कैसे की करते थे। ये अभी का नहीं है, कब से आपका चला है। आपके जो लोग मानते हैं रिलीजियस बेस पे, जैसे आपने देखा टेवे दिखाते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, सारा कैलकुलेशन वाला काम है, ठीक है। जो पामिस्ट्री है उन्होंने भी स्टडी की होती है, वो देखते रहते हैं कि किसकी हजारों, उन्होंने लाखों पे किया है ये एक्सपेरिमेंट, ये आपकी ऐसी है, ये रेखा ऐसी, इसको ऐसे करो, उससे ये होता है वो, दैट इज अ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जैसे हम डिफरेंट लोगों को उन्होंने बनाया थ्री कैटेगरीज में, एक बहुत मस्कुलर है, एक पतला है, एक ठीक ठीक है, तो वो सारी स्टडी होती है, रिसर्च होता है, तभी वो जाके कोई फाइनलाइज होता है कि ये स्टडी से ये हमारे फाइनलाइज हुए हैं और हमने इतने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया। अब जो आपके ये वैक्सीन बन रही है क्या है, जितनी जल्दी वर्ल्ड में ये वैक्सीन को उन्होंने किया है, ग्रीन सिग्नल दिया, आज तक कोई किसी वैक्सीन को ऐसा नहीं हुआ है कि हुआ है। अब आपको आ गया, इंडिया में भी 12 ईयर्स से ऊपर लगा सकते हो, पता है 12 ईयर्स, वो वैक्सीन नहीं, वो दूसरी आई है इन्होंने किया है, हाँ बाहर से। तो ये वो जितनी जल्दी जल्दी उन्होंने टेस्ट किए हैं सब पे, क्यों, क्योंकि आपके जो ये डिजीज ही ऐसी थी कि इसको आप वेट एंड वॉच वाला काम ही नहीं कर सकते थे, जितना डिसास्टर मतलब ये चल रहा था। और आज की डेट में जहाँ इतनी एडवांस टेक्निक है, साइंस है, सब कुछ है, इवन आप देख लो पूरा वर्ल्ड, यूएसए जो कितने, और जिनकी मेडिकल, इटली वगैरह जहाँ का मेडिकल स्टैंडर्ड इतना हाई है, इंडिया तो कहीं पे पता नहीं कितने उस पे आता है, यहाँ फिर भी कंट्रोल हो गया, वहां का तो मतलब मेडिकल का जो इतना अच्छा सिस्टम है, आप जितना कनाडा वगैरह चल जाओ मेडिकल फ्री है वहाँ पे, वहाँ पे किसी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती, दे विल नॉट मतलब सिंगल पैनी, कोई एक पैसा नहीं लगता है, वो सब गवर्नमेंट के अंडर होता है, दैट इज टोटली फ्री। पर यहाँ पे नहीं आप कर सकते हो, यहाँ पे तो अगर कोरोना के पेशेंट का भी 20-20 लाख रुपए प्राइवेट डॉक्टरों ने निकाल दिए, इतने केसेस यहाँ पे हुए कोरोना पेशेंट, 20-20-25 लाख के बिल निकाल दिए, तो करते क्या उसमें, कुछ नहीं, मेडिसिन कुछ नहीं है, वैक्सीन को जो उसके इंजेक्शन थे जो 5 हजार का 2 हजार का था, उसकी ब्लैक लाखों में होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब यही चीज है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हुए, सब कुछ, दैट इज एक तो आपकी पॉपुलेशन है, ऊपर से करप्शन का मेन रीजन है। तो ठीक है, जितने ये पॉइंट्स है इसमें कोई डाउट हो पहले ये देख लो आप, दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, क्लियर है सारे, देन इसमें नेक्स्ट लिखो व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योगा। नंबर वन यमा, YAMA, यमा, देन नियमा, NIYAMA, NIYAMA, यमा नियमा देन आसना, आसना देन प्राणायाम, प्राणायाम प्रत्याहार, PRATYAHARA, प्रत्याहार, प्रत्याहार, देन नेक्स्ट धरना, DHARNA, देन ध्याना, DHYANA,
देन लास्ट वन इज, एट वन इज समाधि। ये बेसिक्स आपके एलिमेंट्स है योगा के, ठीक है। इसमें क्या है, यमा मीन्स कि आपका मोरल, मोरल वैल्यूज, नियम, नियम का मतलब है कि जो आपने डेली एक नियम बना लेते हैं, कोई काम करना है उठ के, वो सारा आपका नियमा में आ जाते हैं। फर्स्ट में यमा में मतलब मोरल डिसिप्लिन, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा अपने काम के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। नियम, आप कोई भी हम काम करते हैं, पहले हमने उसको एक यम बना लिया कि हमने उसको काम को डेली करना है, हम अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो गए, फिर नियम बना दिया डेली रूटीन बेसिस पे। देन नेक्स्ट आपका आ गया आसना, आसना मीन्स पोस्चर, इसको आगे लिख लो आप पोस्चर, जो डिफरेंट पोस्चर आपके होते हैं लाइफ के, आसनास पोस्चर, जो डिफरेंट आसन आप करते हैं। देन नेक्स्ट आ गया प्राणायाम, दैट इज रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी, प्राणायाम रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो आपका होता है। इसमें लिख लो बेटा कि एक होता है इनहेल एक्सहेल एंड होल्ड, जिसको हम पूरक, पूरक बोलते हैं, पूरक कुंभक रोचक, पूरक कुंभक रोचक, पूर का पी यू आर ए के ए, पूर का मीन्स इनहेल, इसको ब्रैकेट में लिख लो पूर का इनहेल, देन कुंभक, कुंभका के यू एम बी एच के ए, कुंभका मीन्स की होल्ड, ब्रीथ को होल्ड करना। देन रेच का आर ई सी एच ए के ए मीन्स एक्सहेल, वही इनहेल एक्सहेल एंड होल्ड करना ब्रीथ को, ब्रीदिंग को अपनी, ये सारा आपका इसमें प्राणायाम से चलता है, इनहेल करना, अनुलोम विलोम सारा सिस्टम, ठीक है, नोति क्रिया, दिस इज ऑल इन प्राणायाम। देन प्रत्याहारा में आपका सारे सेंस ऑफ ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स धरना मीन्स कंसंट्रेशन, सारा कंसंट्रेशन से रिलेटेड है इसमें। ध्याना मीन्स ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। इसके आगे सब टाइटल बहुत बुक में दिए हैं, काफी लंबे लंबे, बट बेसिक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। ध्याना मीन्स आपने मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाते हैं हम, जैसे ध्यान लगा के मेडिटेशन में बैठ गए। देन लास्ट वन इज समाधि, वो फिर सीधा जो पर्सनल सब कुछ भूल जाता है उस स्टेज में आदमी, अपना कौन है, मेरा क्या है, कुछ अस्तित्व अपना सब भूल जाता है, सीधा परमात्मा के साथ, इंडिविजुअल सोल कनेक्टेड विद सुपर, जो सुप्रीम सोल जिसको हम बोलते हैं, उसमें उसका अपना कुछ नहीं होता है, अपने बारे में सब भूल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना बड़े बड़े साधु हुए या पैगंबर्स हुए, कुछ तो उनमें क्वालिटीज होती थी ना, ऐसे लोग उनके फॉलोवर्स छोड़ना होते थे, आपने अभी भी कई जगह देखे होंगे ऐसे, कुछ उनको रूढ़िवादी बोलते हैं, कुछ लोग नहीं मानते जो कुछ उनका, सब लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, बट वो लोगों ने कुछ काम किया है सोसाइटी में, या उनके पास कुछ कह लो भी अलौकिक शक्तियां थी या कुछ था, तभी उनके फॉलोवर इतने बने ना, इसी सारे समाज से गए बड़े बड़े संत जितने भी बने, तो वो समाधि आपकी लास्ट स्टेज आ जाती है। और इस सारों का आपका स्पोर्ट से क्या रिलेशन है, अगर आप इसको लो, इस एलिमेंट्स के साथ चलो, या इम्पोर्टेंस ऑफ योगा है, ठीक है, इसका इसमें आगे आ जाते हैं आपका नेक्स्ट आसनास, आसनास उसमें आपको डिफरेंट आसन आ जाएंगे, इसमें 10-12 आसन दिए जो आपको घर पे देख लेने, उसमें से आपने 5 कोई भी अपने, ये आसन आपको प्रैक्टिकल में भी आएंगे, कोई भी आपने इनमें से, आपको ये पूछ सकते हैं कि डेमोस्ट्रेट एनी 2 सीटिंग आसनास, डेमोस्ट्रेट एनी 2 स्टैंडिंग आसनास,
ऐसे आपको पूछ सकते हैं। तो सीटिंग के स्टैंडिंग के दो दो कर लो और एक कोई भी कर लो, एनी आसनास जितने भी आपको उसमें दिए हैं, भुजंग आसन है आपका, पर्वत आसन है, ट्री है, कुछ भी आप आसन जो भी है सारे आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए सारों का, और उनके एग्जीक्यूशन ऑफ दैट एंड देन आपको लाइफ में या आपको स्पोर्ट्स में उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे आप ताड़ आसन है, हाइट के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। एक ही आसन ऐसा है जो आप कभी भी कर सकते हो, कौन सा है वो है? There is only one आसन you can perform after your meal, कभी भी आप खाना खाने के बाद भी immediately कर सकते हो। कोई भी exercise हम बोलते हैं ना कितने घंटे बाद करनी चाहिए, आधे घंटे बाद नहीं ज्यादा। डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना टाइम लगता है, तो एटलीस्ट दो तीन घंटे तक हमको स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बट योगा में एक आपका आसन है उसको आप इमीडिएटली आफ्टर मील खाना खाया कर सकते हो, कौन सा है? वज्रासन, वज्रासन ही। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपको पूछेंगे कि कौन सा आसन है आप इमीडिएटली आफ्टर योर मील, ब्रेकफास्ट, लंच, और ये एक ऐसा आसन है इट विल हेल्प इन योर डाइजेशन सिस्टम, इसीलिए इसको आप कर सकते हो, समझ गए हो ना। जिसको कोई डाइजेशन से, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आप घर पे टीवी देखते हो, बेड पे बैठे हो, तो ऑलवेज सिट इन अ वज्रासन पोजिशन। कोई भी आप काम कर रहे हो 10 मिनट 15 मिनट बैठो उसमें, सेम वज्रासन में। इट विल हेल्प योर लोअर लेग मसल स्ट्रेचिंग के लिए भी होगा और आपका स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट है। ये रूटीन में आपको वैसे ही करना चाहिए। कभी टीवी देख रहे हो, बेड पे बैठे हो तो 10 मिनट, वैसे मोबाइल पे बैठे हो मोबाइल तो पोजीशन अपनी वज्रासन की कर लो। वज्रासन, वज्रासन दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड करना है पीछे करके, और ये ध्यान रखना है कि आपकी ये जो टो हो वो स्ट्रेट हो पीछे, ऐसे नहीं कर देनी अंदर को इनवर्ड बैकवर्ड, और पूरा वेट आपका हिप्स का इस पे लेग्स पे होगा। और आपको ये नहीं कि दो चार मिनट बैठो, एटलीस्ट 10 मिनट्स, देन यू इंक्रीज दिस 10-15 मिनट्स। और 3 o'clock सपने टेस्ट देना है। लिसन ऑल ऑफ यू, खुशी आ रहे हैं, अनन्या, ये सुमनदीप कहाँ चले गए हैं? एंड दिस इज कंपल्सरी टू ऑल, अदरवाइज आपकी जो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आएगी फिर।